नमस्कार। वाराणसी जिले से अभी हम एक एरिया है आकाशवाणी महमूरगंज, हम एरिया से जा रहे थे तो हमें दिखाई दिया कैंप कार्यालय, ज़रा इसको दिखा दिएगा। डॉक्टर एक नाम बनारस में है, वाराणसी में है, बहुत बड़ा नाम, अच्छा नाम, बढ़िया नाम, भाजपा का जुझारू कर्मठ और भाजपा के प्रति, जनता के प्रति हमेशा लगे रहने वाले एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री हैं। नाम है डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु गुरु, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार में अभी बनाए गए हैं, इस बार के सरकार में 2022 के बीजेपी उत्तर प्रदेश के सरकार में। जैसा कि मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर से डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी को जानता हूँ, ऐसा नेता, ऐसा मिलनसार व्यक्ति, ऐसा जमीनी नेता, ऐसा ग्राउंड का नेता हमें बनारस में वास्तव में कम मिलेगा, या मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि 10-15 जिले में कम मिलेंगे। तो हम इनके कैंप कार्यालय, हमें हमारी हम जब देखे कि कैंप कार्यालय है तो हम जब आए तो हमारी मुलाकात डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के पीआरओ और मीडिया प्रभारी ओमकार तिवारी, मतलब तिवारी जी से हो गई। ज़रा नब्ज और सच्चाई। और आज जो है वाराणसी जिले में चीफ मिनिस्टर का कार्यक्रम लगा हुआ है और डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु उन्हीं के साथ कार्यक्रम को बखूबी उसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है कर रहे हैं। तो हम तिवारी जी के माध्यम से कुछ मंत्री और मंत्री जी के कार्यों को अपने हिंदुस्तान, अपने देश, अपने भारत के लोगों को बताना चाहेंगे और सच्चाई से रूबरू कराना चाहेंगे। तो मंत्री जी थोड़ा खड़ा हो जाइएगा। आपका हमारे चैनल पर धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। सबसे पहले कैंप कार्यालय में एज ए पीआरओ, एज ए मीडिया प्रभारी, इस कैंप कार्यालय का मीडिया जगत, मीडिया की तरफ से मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूँ। कैसा अनुभूत और महसूस हो रहा है सर, कैंप कार्यालय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी के मीडिया प्रभारी और पीआरओ बन करके? सर तिवारी जी, जब से ये कैंप कार्यालय खुला है तब से माननीय मंत्री जी के निर्देश पर यहाँ जन सुनवाई होती रहती है। प्रतिदिन कार्यालय सुबह 10 बजे शाम 6 बजे तक खुला रहता है। जनता जो भी आती है, हम पूरी प्रयास करते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। सारे विभागीय अधिकारियों को मंत्री जी की तरफ से निर्देश दिया जाता है और समस्या का समाधान करने का हम लोग एक पूरी तरीके से प्रयास करते हैं और त्वरित कार्रवाई करने के लिए मंत्री जी के निर्देश पर उसका अनुपालन किया जाता है। हम इसलिए यहाँ कैंप कार्यालय पर सारे लोगों के साथ टीम हमारी है बैठी रहती है कि जो भी समस्या जनता से संबंधित हो, जनहित समस्या